मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। जिस एक्ट्रेस का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया। शरद पवार साहब कहते हैं कि कंगना को तूल देना बेकार है, तो शिवसेना फिर क्यों तूल दे रही है? क्या कंगना हमलावर है पार्टी पे, आपकी सरकार को? छोड़ दीजिए कि जिस एक्ट्रेस का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। हमने उसका ऊपर बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए, हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोट करेंगे, नोटिंग करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्ने जो होते हैं वो बार बार बदलती भी है। भविष्य में नए नए इतिहास लिखा जाता है, लेकिन पुराना इतिहास जो होता है उसके पन्ने फाड़ नहीं दिए जाते। तो जो हो रहा है हम उसका नोटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी देश को और महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचती है, उनकी सोच कितनी बुरी है। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता हाथ से चली गई, इसलिए आप एक सब तमाशा कर रहे हो। आप एक राज्य को, एक राज्य के संस्कार को, एक राज्य के संस्कृति को आप बदनाम कर रहे हो। आपको संयम रखना चाहिए। राजनीति में ऐसे चढ़ उतार आते हैं, मैंने कहा ना, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। डेमोक्रेसी में बहुमत बहुत चंचल चीज़ होती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं। आई हैड अ मीटिंग विद हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगन सिंह कोश्यारी, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया, एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियाँ हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज़ गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है, तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड, और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा।